पर मिल रही है। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की सेहत पर इस वक्त जो खबर मिल रही है उस हवाले से उनकी सेहत में अब तक कोई तब्दीली नहीं आई है, वो कोमा की हालत में वेंटिलेटर पर हैं। साबिक सदर की सेहत के हवाले से नई दिल्ली में आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल की जानिब से जारी किए गए एक बुलेटिन में कहा गया है कि आज सुबह साबिक सदर प्रणब मुखर्जी की सेहत में कोई तब्दीली नहीं आई है, वो गहरे कोमा की हालत में हैं और सांस के इन्फेक्शन का इलाज किया जा रहा है। वो मुसलसल वेंटिलेटर पर हैं, उनके जिस्म के तमाम बड़े आज़ा मुस्तहकम हैं। ये एक अच्छी खबर है। अस्पताल की जानिब से 20 अगस्त को बताया गया था कि साबिक सदर की सेहत में बेहतरी के आसार हैं, लेकिन उसके बाद से उनकी सेहत में कोई तब्दीली नहीं आई। 84 साल प्रणब मुखर्जी की तबीयत खराब होने के बाद 10 अगस्त को उन्हें नई दिल्ली के आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उनके दिमाग में खून का थकाकू दूर करने के लिए ऑपरेशन भी किया गया। साबिक सदर की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो इस वक्त जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई है।